आइए फिर से आपको याद दिला प्राणायाम। प्राणायाम बहुत आवश्यक है। अगर आप प्राणायाम के एक्सपर्ट हो गए तो आपकी बीमारी गई, चिंता गई, डर गया और अभाव गया, अभाव भी नहीं होगा। तो प्राणायाम है क्या? हम प्राण को प्राण भी कहते हैं, प्राण भी कहते हैं। ये क्या है? ये जीवन है। और आयाम, आयाम कहते हैं इस प्राण का जो नेचर हो, स्वभाव। प्राण का स्वभाव क्या है? प्राण किसको कहते हैं? जब दिखे तो प्राण के अलावा कुछ है ही नहीं। प्राण जीवन है, जीवन के अलावा कुछ है ही नहीं। वही प्राण है आसमान के रूप में, हवा के रूप में, अग्नि के रूप में, पानी के रूप में, ठोस चीज के रूप में। यही प्राण है गैलेक्सीज के रूप में, सोलर सिस्टम। यही प्राण है पेड़ पौधों के रूप में, जीव जंतु। प्राण के अलावा कुछ है ही नहीं। याद रखिए, प्राण के अलावा कुछ भी नहीं है। ये पैर, प्राण है पैर के रूप में, प्राण है हाथों के रूप में, प्राण है पीठ के रूप में, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर। हमें प्राण के बारे में जानना है। आयाम कहते हैं प्राण का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, उसको जानिए। जब जुड़ेंगे तब तो जानेंगे। तो सिर से पैर की उंगली तक जुड़िए। अच्छा, जुड़ रहे हैं। वो अचानक कोरोना हो गया, वो क्या हुआ? ऑक्सीजन लेवल कम होने लगी। फिर क्या हुआ? अब चल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं चल पा रहे हैं? पैर अनुभव ही नहीं हो रहा है। एक कड़ापन, ढीलापन अनुभव नहीं हो रहा, जैसे लकवा मार दिया, चल नहीं पा रहे हैं। और क्या हुआ? अरे गंध भी नहीं आ रही है, स्वाद भी नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है कि गंध की अनुभूति, स्वाद की अनुभूति, सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति के लिए ये चीज आवश्यक है, जिसको हम श्वास कहते हैं। चलिए फिर श्वास को देखते हैं। जब श्वास को देखेंगे, श्वास है क्या? जब श्वास से प्रेम होगा तो एक ज्ञान होगा। ये जैसे पैदा हुई, श्वास चलने लगी। जब श्वास चलने लगी, शरीर बढ़ने लगी। पैदा होते ही एक बच्चा था, श्वास बंद हो गई तो उसका शरीर का बढ़ना रुक गया। अच्छा, कुछ ऐसा समझ में आता है कि श्वास सिर से पैर की उंगली तक इसके जो बढ़ने की चीज है, श्वास जो बढ़ रही है, इससे जुड़ा हुआ है। तो और गहराई में श्वास में एकाग्रता बढ़ाइए तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक श्वास की जब अनुभूति करते हैं, उस समय सिर से पैर की उंगली तक हर जगह पर कुछ होता है। चलो श्वास को और देखिए। ठीक है, और देखिए, श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। ठीक है, सही है। श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही, कौन कहता है? जो मानव समझता है कि जन्म है तो मृत्यु है, सुख है तो दुख है, लाभ है हानि है, पाप है पुण्य है, ऐसे लोग श्वास की इस तरह से व्याख्या करते हैं। अंदर जा रही, बाहर आ रही, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। देखिए, श्वास अंदर गई, बाहर आई, फिर देखिए अंदर गई, बाहर आई, अंदर गई, बाहर आई। लेकिन जो ये मानते हैं कि श्वास ही जीवन है, केवल जीवन का अस्तित्व मृत्यु है ही नहीं, जो कुछ देखते हैं सब जीवन है, जो अनुभव करते जीवन है, उसको पूछिए श्वास क्या है? कहते श्वास केवल आ रही है, जा नहीं रही। श्वास केवल आ रही है। श्वास इतना नजदीक आ गई, वही सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में बदल गई। आप देखिए, श्वास आ रही है, ये आ ही तो रही है, जा कहां रही है? केवल आने की घटना है ये। इस श्वास की अगली व्याख्या है उनके द्वारा जो अनुभव करते हैं ईश्वर के संतान है। जो अनुभव करते हैं मानव ही ईश्वर के संतान नहीं है, वो कहते हैं श्वास आ रही है, जा रही है। कहते इनहेलेशन एक्सहेलेशन। भाई आज या दिन भर ईश्वर की संतान जिस तरह से जीवन व्यतीत करता है, वैसे व्यतीत करिए। ईसा मसीह पढ़ाते थे
फॉलो लाइक लैम्प ऑफ गॉड, लोग सोचते थे कि ये गडेरिया है क्योंकि भेड़ की चर्चा करते हैं। तो भेड़ गडेरिया नहीं थे, भेड़ की चर्चा क्यों करते थे? क्योंकि भेड़ का बच्चा भेड़ के साथ ही चलता है और कहीं नहीं जाएगा। हम लोग भेड़ के उस बच्चे की तरह है, हमारी भेड़ भगवान है, हम भगवान के पीछे पीछे चलेंगे। कैसे चलेंगे? हम आज दिन भर चलेंगे, केवल श्वास की अनुभूति करेंगे, आना जाना नहीं है, बस श्वास अनुभव करते ही पैरों का मत भूलिए, पैर कड़ा ढीला करते ही श्वास की अनुभूति करिए, हाथ कड़ा ढीला करते ही श्वास अनुभव करिए, दाहिनी और बाईं पीठ कड़ी ढीली करते ही श्वास अनुभव करिए, पेट अंदर पिचकाइए अनुभव करते ही श्वास की अनुभूति बनाए रखिए। पेट फुलाएंगे क्यों नहीं? पेट इसलिए पिचकाएंगे, जब पेट पिचकाते हैं तो पेट पीठ की ओर जाता है, हर चीज को पीठ की ओर जाना चाहिए, इसे हमारा पेट ऐसा हो कि पीठ की ओर हो, इसलिए पेट को धीरे धीरे ऐसा पिचकाइए नीचे से ऊपर की तरफ पीछे की तरफ कि पीठ की ओर जाए, उसमें श्वास अनुभूति करते रहिए, सिर चेहरा गला अनुभव करते श्वास अनुभव करते रहिए, जब आप काम कर रहे हो आराम कर रहे हो इस तरह से काम करिए, सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति में एकाग्रता बनी रहे, इसकी अनुभूति को थकावट कर दिया तब आप प्रभु को छोड़ दिए, इसे श्वास अनुभव करते आज दिन भर इस समय से शाम तक आप अभ्यास कर सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करने का, खाना खाते ही स्वाद की अनुभूति, श्वास नहीं तो स्वाद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, तो स्वाद अनुभव करते श्वास को याद रखिए, देख रहे हैं श्वास नहीं तो देख नहीं पाएंगे, तो देखते ही श्वास की अनुभूति करते रहिए, सुन रहे हैं श्वास नहीं तो सुन नहीं पाएंगे, तो सुनते ही श्वास की अनुभूति करते रहिए, कुछ भी करिए या ना करिए श्वास भूलिए मत, और श्वास को अनुभव करते ही सिर से पैर की उंगली तक अनुभूति करते रहिए, आज इसका अभ्यास करिए। हम नहीं करेंगे तो हम प्राणायाम बता ही नहीं पाएंगे, जो हम बताना चाह रहे हैं कितने वर्षों से आज तक नहीं बता पाए, क्योंकि आप अभ्यास करते ही नहीं। आप हमारे शिक्षक हैं, आप पढ़ाते हैं कि भाई चलो का खा का पढ़ो, का खा से लेकर के पूरा पढ़ डालिए छत्र ज्ञान तक, हम का ही नहीं पढ़ रहे बाकी कैसे पढ़ेंगे? जो हम अभ्यास बता रहे हैं इसको आप करेंगे नहीं तो आगे कैसे बताएंगे हम? अगर आपको प्राणायाम सीखना है तो इसका अभ्यास करिए, नहीं करें तो हम क्लास दो में बांट देंगे, जो अभ्यास करते हैं उनके लिए अलग क्लास और जो कम करते हैं उनके लिए भी क्लास। ऐसा मत करें कि हमें क्लास को दो भागों में रखना पड़े, बड़ा आसान है ये, श्वास अनुभव करते हुए सुनने की क्रिया, बोलने की क्रिया, स्पर्श की क्रिया, स्वाद और गंध की क्रिया, जो भी सोच रहे हो तर्क वितर्क कर रहे हो श्वास को भूलिए मत, इसी के साथ आइए हम दो बार में श्वास प्रश्वास का अभ्यास करें।